देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा। इसी कड़ी में बुधवार को प्रयागराज पुलिस की ओर से संगम क्षेत्र में यूपी डायल 112 के वाहनों की एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तिरंगा यात्रा संगम से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में समाप्त हुई। भारत माता के जय। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य जहां देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखना है, वहीं लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना भी है। आजादी के अमृत महोत्सव का जो एक सप्ताह का बृहद आयोजन पूरे देश में चल रहा, उसी के अंतर्गत जनपद प्रयागराज में पुलिस विभाग द्वारा डायल 112 के PRVs की आज तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली संगम से स्टार्ट होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हुई यहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पर समाप्त हुई है। इसमें हमारी 20 चार पहिया वाहन और हमारे 8 दो पहिया वाहन, इसके अलावा विभाग की अन्य गाड़ियाँ भी इसमें शामिल रही हैं। उद्देश्य राष्ट्रभाव का संदेश जन जन तक पहुँचाना, विशेष करके युवाओं में एक सकारात्मक उत्साह जाए, जिससे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में, अपराध नियंत्रण में लोगों का सहयोग दें। पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है, साथ ही साथ एक बेहतर कानून व्यवस्था जो है विकास के लिए मार्ग को प्रशस्त करती है, तो इस ओर हम सभी अपना योगदान दें। आज ही संगम क्षेत्र से एक अल्ट्रा मैराथन स्टार्ट हुआ। जुनैब नाम के एक व्यक्ति जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ राम गंगा रन के नाम से 555 किलोमीटर की एक रन यहां से शुरू की। इसका उद्देश्य स्वच्छ गंगा और गंगा के अविरल प्रभाव को सतत रहे, इसके उद्देश्य से इन्होंने एक रन यहां से शुरू की जो मुरादाबाद में जाके समाप्त होगी। ये कई जनपदों से गुजरेगी, वहां पे भी लोगों को ये जागरूक करेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों के बीच में एक सकारात्मकता का भाव जाता है और राष्ट्रभक्ति की जो परिकल्पना है और मजबूत होती है।